बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय सैर आरुन किचन। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी बनने वाली गोश्त की तहरी। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें हमने क्या क्या लिया है। तो मटन तहरी बनाएंगे हम। यहाँ मैंने 300 ग्राम मटन लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा फैट वाला मटन लिया है, क्योंकि बिरयानी या तहरी या खिचड़ी में जो भी हो उसमें फैट वाला ये गोश्त बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इससे बिरयानी या तहरी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसको मैंने 4 बार धो लिया है और ये पकने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके अकॉर्डिंग मैंने 500 ग्राम ये चावल लिए हैं, कच्चा चावल मैं यूज़ कर रही हूँ। इसकी तहरी बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ मैंने ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ताज़ा पेस्ट लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, और अगर नहीं है तो पहले का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ताज़े से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ मैंने ये हरा धनिया लिया है 1 मुट्ठी करीब, थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा काट लिया है, इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और यहाँ मैंने ये सूखी मेथी ली है, सिर्फ 1/2 चम्मच ही मैंने यूज़ करी है। करी पत्ता लिया है मैंने, ये सूखा ही लिया है क्योंकि मेरे पास ताज़ी पत्तियाँ नहीं थी इस टाइम। और यहाँ मैंने ये 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इसको मैंने रफली काट लिया है, 150 ग्राम करीब ये टमाटर होंगे। इसके बाद मैंने यहाँ 1 बड़ी प्याज ली है, तो इसको मैंने स्लाइस कट कर लिया है। और गरम मसाले में मैंने 4 इलायची छोटी, 4 लौंग, थोड़ी सी सौंफ, और यहाँ थोड़ा सा मैंने ज़ीरा, और ये छोटे छोटे ये 4 तेज़पत्ता लिया है मैंने, तो इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है सौंफ से। और यहाँ मैंने सूखे मसालों में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है। नमक हम टेस्ट कर लेंगे, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है क्योंकि इसमें कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है डिश का। इसके बाद धनिया पाउडर लिया है 1 बड़ा चम्मच मैंने, 1/2 चम्मच से भी कम मैंने ये पिसी हुई काली मिर्च ली है, और हल्दी ली है मैंने 1 बड़ा चम्मच, क्योंकि तहरी में हल्दी बहुत ज़्यादा मोस्ट है और इससे कलर जो है इसी से आता है येलो। तो चलिए हम प्रोसेस देख लेते हैं कि हम किस तरह से बनाएंगे। बनाना हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तेल डाल दिया है कुकर में। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, कम से कम 50 या 60 ग्राम के करीब तेल डाला है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाला है। तो इसके बाद ये जो हमने सूखा गरम मसाला लिया था ये हम पहले ऐड कर देते हैं, और उसके बाद जो हमने प्याज ली थी ये हम ऐड कर देते हैं। और प्याज का कलर हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। हल्का सा ही बस हम इसे चलाएंगे। बस 1 मिनट तक हम इसे पका लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो प्याज का कलर हमें ऐसा ही चाहिए था, इसे 1 से 1.5 मिनट हो गया पकते हुए और ये पिंक कलर की हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने ये मटन लिया है अपना, तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। और मटन ऐड करने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं, और गैस का फ्लेम इस टाइम मेरा फुल है क्योंकि मुझे इसे लहसुन अदरक में 2 मिनट तक ऐसे ही भूनना है। तो 2 मिनट तक हम इसे ऐसे ही भून लेते हैं। तो 2 मिनट हो गए हैं मटन को भूनते हुए। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमने ये जो पाउडर मसाले लिए थे ये हम सारे ही इसमें ऐड कर देंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद ये जो हमने टमाटर लिए थे ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर ज़्यादा लेने से इसका टेस्ट जो है तहरी का बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो टमाटर इसमें तहरी में ज़रूर ऐड करें। इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि मसाले सारे आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। तो इसे 5 मिनट तक हम मसालों के साथ टमाटर के साथ ऐसे ही भून लेते हैं। तो मटन को हमारे भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें आने लगी है। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो देखिए हम कितना पानी ऐड कर रहे हैं, ये सिर्फ इतना पानी हमने यूज़ करा है, यानी सिर्फ 1/2 कप
ताकि इसमें बस दो सीटी आ जाएं और ये नीचे से जले नहीं, सिर्फ इतना ही पानी ऐड करना है। और इसमें हम सिर्फ एक सीटी लगाएंगे क्योंकि अभी इसे तहरी में भी एक सीटी लगानी है, तो दो सीटी हो जाएंगी और दो सीटी में मटन अच्छी तरह हो जाता है। तो चलिए इसको हम एक सीटी लगा लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। एक सीटी आ गई है, कुकर को हमने खोल के देख लिया है, पानी हमने ऐड ही नहीं किया था इसलिए पानी बिल्कुल इसमें है नहीं, और ये भुनने की स्टेज पर है। और भुनना भी हमें ज़रूरी है क्योंकि जब हम गोश्त गला लेते हैं या तो फिर हम उसे भून लेते हैं, तो भूनने से जितने भी कच्चे मसालों की जो स्मेल रहती है वो एकदम चली भी जाती है और अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है, तेल भी सेपरेट हो जाता है। तो इसी तरह से हम भून लेते हैं। यहाँ अब मैं इसमें ये दो चम्मच इस चम्मच से नाप कर दही ऐड कर लेती हूँ, और दही अगर आप लोगों के पास नहीं है तो नींबू हो तो आप इसमें आधा नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो नींबू से जो है या दही से बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो बस ये भुनने ही वाला है, इसके बाद जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे और पानी ऐड कर देंगे और फिर तहरी हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो इसे हम 5 मिनट तक ऐसे ही भून लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो मटन हमारा बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल भुन गया है, तेल इसमें एकदम सेपरेट हो गया है। तो बस इसमें हम चावल ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं और तहरी बना लेते हैं। तो चलिए अब हम इसमें चावल ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये चावल हम इसमें ऐड कर देते हैं। चावल को हमने अच्छी तरह से 5-6 बार धो लिया है और उसके बाद हमने यहाँ 2 गिलास चावल लिए थे, मेरे गिलास का अंदाज़ है। और सबके घरों में सबको अपनी किसी भी चीज़ से एक अंदाज़ होता है, तो जितना हम चावल लेते हैं उसका 2 गुना हम पानी लेते हैं, लेकिन वो हम भगोने का हिसाब होता है। लेकिन यहाँ हम ये कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में हम 2 गुना नहीं, बल्कि जैसे 2 गिलास हमने चावल लिए हैं तो हम सिर्फ 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए बस इतना पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, ये इतने पानी में ही हो जाएगा। और उसके बाद ये जो हमने हरा धनिया और हरी मिर्च काट के रखा था ये भी अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च और कसूरी मेथी और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ये सब हम इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आएगी और इसका फ्लेवर जो है वो तहरी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए बस इसमें अब हम पहले हम एक सीटी लगाएंगे फुल फ्लेम पे और उसके बाद हम इसे स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, मतलब कुकर लगा ही रहने देंगे। उससे जो है वो बहुत अच्छी इसमें प्रेशर बन जाएगा और धीरे धीरे ये पकता रहेगा। तो चलिए फिर हम इसे दिखाते हैं आपको जब ये पक जाती है तब। तो इसमें एक सीटी आ गई है और 5 मिनट हमने इसे दम पे स्लो करके रख दिया था। तो चलिए अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए लजीज तहरी हमारी बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी जल्दी और आसानी से हमारी तहरी बिल्कुल रेडी है। इसे आज मैं ये रायते के साथ और सैलेड के साथ सर्व कर रही हूँ, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए आए हैं चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। लाइक करें, कमेंट करें और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं नई रेसिपी फिर लेकर हाज़िर होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।